परमात्मा मूसा का बुलाव था। यूसुफ के मरे के बाद वाखर सब रिश्तेदारन मिस्र में बस गए। वह और उनखर कुल कुटुम्बी कितना साल तक मिस्र में ही राहत रह गए और खूब हंस लड़का बच्चा पैदा कर लीन। ऊ इसराइली कहलाइन। कितना सौ साल के बाद इसराइल के जनसंख्या खूब बढ़ गया हुआ और मिस्री मनई अब यह बात के लाने आभारी नहीं रहे हैं कि उनखर मदद करे के लाने यूसुफ खूब कुछ करी सी। ऊ इसराइलिन से डरा गए रहे हैं कैसे कि उनखर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गिरा हुआ। एक वजह से वह समय मिस्र में शासन करा वाले फिरौन इसराइलिन का मिस्र के दास बना दईस। मिस्री इसराइलिन का कितना महल अटारी और कितना हसनगर का बनामा कला ने मजबूर कर दईन। वह विकट मेहनत उनखर जिंदगी का खूब दुखदायी बना दे रहो हा। पर परमात्मा उन्हीं आशीष दईन और उनखर और ज्यादा लड़का बच्चा भें। फिरौन देखिस कि इसराइलिन के बहुते संतान पैदा हो रहे हैं। एक वजह से वह अपन मनैन का इसराइली के सब लड़का बच्चा का नील नदी में फेंक के मार डाले का आदेश दईस। एक ठे विशेष इसराइली मेहरिया एक ठे बेटवा का जन्म दईस। वह और वाखर मेनसरवा जितना हो सको बेटवा का लुका के रखिन। जब वह बेटवा के बाप महतारी वही और ज्यादा न लुका सकिन तो वही मां न डारे के डर से एक ठे पैरा वाले झुहा मां सोवा के नील नदी के किनारे में सनकड़िया के बीच में रख दईन। वाखर बड़ी बहनी या देखा के लाने वाखर निगरानी करीस कि ओखे साथ का हुई। फिरौन के बिटिया व झुहा का देख के ओखे भीतर झांकीस। जब वह लड़का का देखीस त वही वह अपने लड़का के रूप में लई लईस। वह वही इसराइली महरिया का दूध पिलामा कलाने काम में रखीस बिना यह जाने कि वह वाखर महतारी सही में आए कि नहीं। जब वह लड़का बड्डा होएगा अब वही अपन महतारी के दूध के जरूरत नहीं आ तब वह फिरौन के बिटिया के पास वही लौटा दईस। वाखर नाम मूसा रहा। एक दिन मूसा जब बड़ा होएगा तब वह देखिस कि एक ठी मिस्री एक ठी इसराइली का पिटत रहो हा। तब मूसा इसराइली का बचामा का प्रयास करीस। जब मूसा सोचिस कि वही को न देखी तब वह मिस्री मनई का मार डरीस और ओखे देह का गाड़ दईस। पर मूसा जौन करे रहो हा वही कोनो देख रहो हा। फिरौन का पता होएगा कि मूसा का करीसी तब वह वही मां डरे का कोशिश करीस। पर मूसा मिस्र से जंगल में भग गा। फिरौन के सेना वही ढूंढ न पाइन। मिस्र से दूर जंगल में मूसा बन गा रहो हा। वह हुन एक ठे टोरिया से शादी कर लईस और दू ठी बेटवा पैदा करीस। मूसा अपन ससुर के भेड़ बकरी के फाक के देखरेख करत रहो हा। एक दिन वह एक ठे बरत झाड़ी का देखीस जौन भसम होए बिना जलत रहो हा और वही देखे के लाने झाड़ी के पास में गया। जब वह ओखे बहुत पास रहो हा तब परमात्मा उसे बताइन बोलिन ऊ कहिन हे मूसा अपन जूता उतार दे कहे से कि तैं एक ठे पवित्र जगह में खड़े हस। परमात्मा कहिन मैं अपने मनैन के दुख का देखे हूँ। मैं तो ही फिरौन के पास भेजी हूँ ताकि इसराइलिन का मिस्र के गुलामी से निकाल ले। मैं उन्हीं का नान देश दई हूँ। वह देश जाखर मैं अब्राहम इसहाक याकूब से प्रतिज्ञा करे रहे हूँ। मूसा पूछिस अगर मैं नहीं जाना का चाही कि मुही को भेजिस त मैं का कही हूँ। परमात्मा कहिन जौन मैं हों तौन हों उनसे कहे मैं हूँ जौन मोही भेजीसी उनसे ऐसा भी कहे मैं तुम्हार पूर्वजन अब्राहम इसहाक और याकूब के परमात्मा यहोवा हूँ। मुरिया नाम हमेशा के लाने हा।
मूसा डरात रहो हा और फिरौन के पास में जाए के नहीं चाहत रहो हा। कहे से कि वह सोचत रहो हा कि वह अच्छे न बोल पाई। एके वजह से परमात्मा मूसा के भाई हारून का वाखर मदद करे के लाने भेजिस। निर्गमन अध्याय 1-4 से बाइबल की एक कहानी।